अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज फिर बाहर का व्लॉग है और बहुत ही मज़े का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हम आए थे स्काईलाइन प्लाज़ा, यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी और साथ में कुछ खाने का भी था, मतलब डिनर वगैरह भी करना था। तो अभी बस हम कार पार्किंग में आए हैं, हम गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद हम अपना काम करेंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे। और ये ड्रेसेस वगैरह बहुत ब्यूटीफुल थे बहुत, लेकिन ये शादियों और पार्टियों में पहने जाते हैं। वैसे सबको पता है कि नॉर्मल रूटीन में ये नहीं पहने जाते, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल थे। और यहाँ पे मुझे एक वाइट ड्रेस पसंद आया था जो कि बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन उसकी स्लीव्स नहीं थी तो फिर मैंने नहीं ली। और एक तो प्राइस भी बहुत उसकी ऊंची थी। प्राइस की हेयर कोई बात नहीं है, मुझे पसंद आया था, मैं ले रही थी, लेकिन उसकी स्लीव नहीं थी तो ये बात मुझे पसंद नहीं आई। ये वाली फ़्रॉक जिसकी मैं बात कर रही हूँ, और पाकिस्तानी रुपीस के लिहाज से इसकी प्राइस थी 35 से लेके 40,000 तक। तो आप लोग खुद सोचे कि यहाँ पर इतना सिंपल सा ड्रेस इतना महंगा है, तो और तो महंगाई की बात ही ना करें। वहाँ पे लोग कहते हैं कि महंगाई है महंगाई, लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे ना, जो यहाँ पे रहते हैं तो उनको पता है कि यहाँ पे कितनी महंगाई है। और यहाँ पे बस हम शॉपिंग कर रहे थे और मैं भी देख रही थी कि मुझे कुछ पसंद आए जिसकी स्लीव्स भी पूरी हो, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला। और फिर हस्बैंड ने अपनी शॉपिंग की थोड़ी सी, और उसके बाद हम लोगों ने कनक आया और फिर और भी थोड़े से काम करने थे, वो भी हमने कर लिए। फिर घर आते आते शाम हो गई थी हमें। आगे आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना भी ना भूलिए।